बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हम आप सबको हमारे इस चैनल ज़िया राइट्स में खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मक्का के काफिरों ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएँ। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चांद के दो टुकड़े करके दिखाए। सही अल-बुखारी की ये हदीस है। अल्लाह ताला ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद को खिलौना बना दिया। एक इशारे से चांद टूट गया। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला इसे हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता बता देगा। इसको ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहाँ से इसे वहमो गुमान भी नहीं होगा। सुनन इब्ने माजा की ये हदीस है। इस हदीस से पता चलता है कि अगर किसी को रिस्क की तंगी हो और गम और तकलीफ़ इसकी ज़्यादा हो गई हो, तो इसको चाहिए कि इस्तग़फ़ार की कसरत करे, इस्तग़फ़ार को लाजिम हिस्सा बना ले अपनी ज़िंदगी का।